कहाँ से आए हैं? सीकर से. सीकर. सीकर सेल्सी के पास. कहाँ रहते हो? सीकर में सेल्सी के पास, पिपराइन रोड. क्या नाम है? अजय. यहाँ तुमने नाम बताया था क्या किसी को कि हम वहाँ बैठे? हमारे नाम, हमें कैसे पता? हमारा नाम आ रहा नहीं. महाराज बेदी बोले, बोले आपका नाम नहीं है फिर भी आपने बोला, इसलिए हम सच्चे मन से भक्ति करते हैं बालाजी की. तो काय हम बुरे मन से करते हैं? नहीं नहीं, आप नहीं करते हो, इसीलिए तो आप मेरा नंबर आ गया ना. इतनी दूर से बैठा होने, किसी का नंबर आता है क्या? हाँ, तो बैठा हूं. एलईडी के कोने में बैठे थे, कोने में बैठे थे. हाँ. मैं नाम राम जच्चा जब जप्पा था इसलिए. राम राम. साधु जी, साधु जी. बोलो बागेश्वर धाम की जय हो. हमें जो आज्ञा लगी हमने लिख लिया. पूछिए क्या बात, क्या समाधान पाना चाहे थे? महाराज मैं अच्छा काया पाव बचाऊं. मैं सही में काया माया बच्चे काया माया अच्छी देव है महाराज. वो मैं बालाजी की चरणों में भक्ति कर बचाऊं बस. हमारी समझ में नहीं आई तुमने क्या पूछी. राजस्थानी में पढ़े लिखे हो? पढ़े लिखे. हिंदी आवे? हिंदी आवे. स्कूल कहाँ तक पढ़े? पांचवी. आह गजब पढ़ाई लिखाई. नहीं पढ़ सके महाराज, हम छोटे से बचपन में. लेकिन हम बारहवीं पढ़े. आप पढ़े लिखे हो महाराज. हाँ हम पढ़े लिखे, जब तो यहाँ अड़े हैं. हम हंस रहे, बुरा मत मानना. ना आपका नाम भी मैंने नहीं बताया. हाँ बेटा, काम धाम उन्नति होगी, काया ठीक रहेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, चिंता ना करें, आर्थिक विकास होगा. 19 नवंबर 2024 से आर्थिक विकास होगा, भक्ति बालाजी की बढ़ती रहेगी, आशीर्वाद है जी महाराज. बोले बागेश्वर धाम की, बोले भारत माता की. अरे तुमने एक और अर्जी लगाई, घरवाली. हाँ घरवाली लगाई महाराज, बिल्कुल. मेरे पापा जी लगाई. हाँ आ गई बाबा ली भी. हाँ पापा जी लगाई. जा जय जय हो जय. पापा जी चाहे मैं तो देखो, कोई नहीं चाहे मैं तो देखो बालाजी की भक्ति करा. हाँ. पापा जी बोले नहीं बेटा, बोले शादी कर ले. बोले संध्या, बोले पापा जी. पापा जी पूछी कहे ना है. अभी पर्चा कह रहा है तुमने पूछी क्यों ना. मैं घरवाली वाली अर्जी आ गई, लुगाई चाहिए तेरे को. तो थी महाराज पर मम्मा तो कौन बतायो क्यों ना है छोरा. बतायो कौन ना. ना बतायो को नहीं महाराज. तब कैंसिल कर दे. नहीं कैंसिल तो कर, मैं भक्ति कर बताऊं. मैं देखो पापा की भक्ति करूं बाला जी की. कैंसिल कर दे. कैंसिल तो कहे महाराज, दिए कर ले. कोई बात हो नहीं. जा हो जय है. अगले साल हम बुलवा देंगे लुगाई. नहीं महाराज बताता को, मतलब बालाजी की भक्ति चाहे महाराज, लुगाई तो कोई बात हो नहीं महाराज. तो अभी बोल, अभी कैंसिल कर दे. कैंसिल चाहे कर दे, कोई दिक्कत हो नहीं महाराज. नहीं करना है, मतलब भक्ति चाहे महाराज. जा और कुछ सच्चे मन से करूँ मैं, बढ़िया काम बनो महाराज. आशीर्वाद नहीं कर रहे. जोड़ा से जाओगे बागेश्वर धाम. अच्छा ठीक है. बोले बागेश्वर धाम की, बोले सच्चे दरबार की. अच्छा एक पुरानी वाली लुगाई की चर्चा कर ले. किने महाराज मनेगा पुरानी की? पुरानी तो कौन, जुड़ी वाली. हाँ दूर की. दूर की. हाँ दूर की करी महाराज, यूपी की करी है. मेरा पापा बोला बेटा कोई बात हो नहीं, तो ना यूपी की लेशा बटा की. कोई चर्चा नहीं करनी, जाओ जोड़ा से आओगे बागेश्वर धाम. बस आगे बना दहेज है महाराज, बस वो सेवा चाहे बस. अच्छी बात है, मैं वो काम वाम बढ़ो महाराज बस. ठीक. बोले बागेश्वर धाम की, बोले सच्चे दरबार की. सेवा गांव का नाम है. वो बालक वहाँ बाला बालक आयो ना ना ना, यो नहीं. हाँ तो उसे एंट्री दे दो ना.
वो खड़ा पीछे, मैंने आपके पीछे वाला, हाँ 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 हाँ, ये जो ऊपर खड़ा है इसको आने दे, एलईडी के पास वाला माइक लो, पढ़े लिखे हो? हाँ। राम राम, ठीक है पूछो। घर में शांति नहीं रहती। कहाँ से है? सेवा। और कोई बात? आर्थिक स्थिति खराब है, घर में शांति नहीं रहती। कलेश कम होगा, कैरियर उज्जवल होगा, धन पर घर में कृपा हो जाएगी, परिवार एकतामय ठीक रहेगा, आशीर्वाद है। जय श्री राम। बराबर यू लिखो, कुल देवी का उपाय करना है। यो मंत्र है, ओम श्री नमः, ओम श्री नमः। तीन माला करनी, बालाजी दया कर देंगे। पितरों का कारण है, पितृ दोष है, पितृ दोष के कारण 2017 से लगातार कलेश बना हुआ है, और कलेश छोटी सी बात पे हो जाता है, बहुत ज़्यादा त्यौहार के नज़दीक आपके यहाँ कलेश होता है, जो त्यौहार नज़दीक आता है कलेश बहुत बढ़ जाता है, और आर्थिक तंगी भी आपके यहाँ पर लगभग 11 साल से बनी हुई है। भवन का काम भी तुम्हारा, मकान वाला कार्य भी डला हुआ है, और घर में उपद्रव बहुत ज़्यादा मच रहा है 2.5 साल से। तो गुरु जी कह रहे हैं कि जाओ, सवा वर्ष के अंतर्गत कलेश शांत हो जाएगा, आशीर्वाद है। जय श्री राम, जय हो बागेश्वर महाराज। लो पेशी करने, लेकिन धाम आना है, फोटो वहां दे दो, ये चारों मूर्तियों को वहां।